नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा कांग्रेस की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जिसमें कुमाऊं के लिए रिलॉन्च किया है। हरीश रावत ने पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र उत्तराखंड के विकास कार्यों का रोड मैप है और कांग्रेस की सरकार आने पर सभी के चेहरों पर मुस्कान होगी, उत्तराखंड में विकास की गंगा बहेगी और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे बेरोजगारों के चेहरों पर भी मुस्कान देखने को मिलेगी। देखिए हमारी नैनीताल के हल्द्वानी से एक खास रिपोर्ट। सामने देख के सर, थोड़ा बहुत बढ़िया सर, मास्क हटा लो सुमित भाई, मास्क कराइए भाई, क्या बात है, मुस्कराने को कह रहे हैं, 1800 काम है। पत्रकारों के लिए ठीक सर, पत्रकारों के लिए भी कुछ कर दीजिए ना, है जी, जी हमने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार कर उनको और व्यापक, उनको दूर दराज तक उनकी पहुंच बढ़ाकर और हम तकनीक का, आधुनिक तकनीक का, मेडिकल टेलीमेडिसिन पद्धति और ड्रोन सर्विसेज आदि का इस्तेमाल कर लोगों के द्वार द्वार तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाएंगे। हमने रोजगार संवर्धन पर हमारा सर्वाधिक फोकस रहेगा। हमने ये तय किया है, आपने कहा है अपने घोषणा पत्र में, कि प्रत्येक अधिकारी को एक निश्चित धनराशि से ऊपर का प्रस्ताव पेश करते वक्त कैबिनेट को ये संतुष्ट करना पड़ेगा कि इससे कितने रोजगार पैदा होंगे, ताकि रोजगार सृजन राज्य की प्राथमिकता बन सके। ये हमारा दृष्टिकोण रहेगा। इस दृष्टिकोण को सिंबलाइज करते हुए हमने कहा है कि 5 साल में हम 4 लाख रोजगार देंगे, 4 लाख स्थायी, करीब करीब स्थायी स्वरूप के रोजगार सृजित करेंगे। उसके लिए हम स्वरोजगार आदि के लिए हमने लघु मध्यम कई तरीके के उद्यमों को, जैविक खेती को, हमने उसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण को, फूड प्रोसेसिंग को हमने बढ़ावा देने की बात भी कही है। हम लोगों ने दुग्ध उत्पादन पर हमारा फोकस रहेगा, ताकि वहाँ अधिक रोजगार सृजन हो सके, और भी बहुत सारे क्षेत्रों को, सेक्टर्स को हमने छांटा है। और हमारा मानना है कि हम राज्य इतना सक्षम है कि वो 5 साल के अंदर 4 लाख ऐसे रोजगार पैदा करेगा। जिन लोगों को 3 साल तक लगातार रोजगार नहीं मिलेगा, उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। बीजेपी के 193 प्रत्याशियों में 78 ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस है। समाजवादी पार्टी के 70 प्रत्याशी आपराधिक बैकग्राउंड वाले हैं। कांग्रेस का यह आंकड़ा भले कम है, कांग्रेस के 166 में से 35 प्रत्याशियों पर क्रिमिनल केस होने की बात अब तक सामने आई है।